हम रास्ता भटक गए थे। कौन सी जगह है? कम फॉलोवर्स है मेरे। सीरियल का शूट हुआ था। जल्दी आ। जानकी सेतु बड़े प्यारे हैं। मेरा कर्म तू ही जान, क्या बुरा है क्या भला। हेलो पिंक हार्ट्स, क्या हाल चाल। वेलकम बैक टू आवर चैनल पिंक रस। तो अभी हो रही है बहुत ज़्यादा देर क्योंकि मैं जा रही हूँ ऋषिकेश। तो ये होने वाला है ऋषिकेश का ट्रिप। सो लेट्स हम निकल गए थे देहरादून से ऋषिकेश की ओर, जो कि 42 या 45 किलोमीटर की दूरी पर है। बट गेस व्हाट, हमने आधा घंटा वेस्ट किया क्योंकि हम रास्ता भटक गए थे। हम चले गए थे रायपुर वाले रास्ते से एंड हमको जाना था मेन हाईवे वाले से। तो बड़ा ही कन्फ्यूजन चल रहा था, वही मैं यहाँ पे आपको बता रही थी। तो आखिरकार हमने एक भैया से पूछा तो उन्होंने बताया रूट यही है। तो अभी हम उतरे हैं इस जगह जो कि है, कौन सी जगह है, दुर्गा चौक। तो अभी हम पहुंचे हैं इस शॉप पे अपना रबर लेने के लिए एंड यहाँ हमको मिला पुचू 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 पुचू। जैसे कि आप देख सकते हो बालों की हालत शानदार लग रही थी मैं, तो आखिरकार ले लिया। चलो अब चलते हैं ऋषिकेश। तो हम रुके हैं एक जगह पे, हमको था कि आधे रास्ते में पार कर लिए हैं, अब भूख लग गई है। तो हम आए हैं यहाँ, नाम क्या है यहाँ का, ये आई थिंक भानिया वाला में ही है। अभी जो आगे बाल रबड़ वाला जो सीन हुआ ना, उसके जस्ट बाद का ही है ये बात। तो हम हैं ग्रिल एंड चिल रेस्टोरेंट में, जो कि आई थिंक भानिया वाला में ही पड़ता है। यहाँ का मैंने मेन्यू कार्ड देखा एंड लोकेशन भी बहुत अच्छी है। सो हम डिसाइड किए हैं कि यहाँ हम मैगी खाएंगे। दिस इज द मेन्यू कार्ड। यहाँ के ना चीज़ें वैसे मेरे को ठीक लगी, जैसे कि आप देख सकते हो पराठे वगैरह रीजनेबल प्राइस में है एंड चाट एंड ऑल्सो इट इज़ नाइस एंड वैरायटी भी अच्छी खासी है। जैसे किसी को नॉनवेज खाना है वो नॉनवेज खा सकते हैं, किसी को वेज खाना है वो डेफिनेटली वेज खा सकते हैं। तो यहाँ पे आ गई थी हमारी मैगी एंड ऑनेस्टली बताऊँ ये बहुत ज़्यादा अच्छी थी। मैंने उम्मीद नहीं की थी 50 रुपीज़ की थी सिर्फ, और क्वालिटी वाइज एंड टेस्ट वाइज। तो दिस इज़ द प्लेस जहाँ आप आ सकते हो। यहाँ का फूड बहुत अच्छा है एंड प्राइस भी सही है। 50 रुपीज़ में मैगी मिल गई थी, जो कि पहाड़ों की मैगी जो बोलते हैं ना, उनको अच्छी खासी टक्कर दे सकता है। एंड अभी तक का मैं बोलूँगी बेस्ट मैगी मैंने यही खाई है। अभी हम हैं यहाँ ऋषिकेश के इस जंगलों में। गैस हम यहाँ फोटोशूट के लिए रुके थे, मेरे को कुछ पिक्चर क्लिक करनी थी इस ड्रेस में ताकि मैं अपने इंस्टाग्राम पे पोस्ट कर सकूँ। तो आप मेरे को इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हो, वहाँ बहुत कम फॉलोवर्स हैं मेरे, 5K समथिंग। तो प्लीज़ मेरे को फॉलो कर लेना, वहाँ मैं पिक्चर वगैरह डालती रहती हूँ एंड स्लो मो रील ये वो सो, तो वहाँ आपको मिलेगा वो। तो अभी हम हैं यहाँ पे, व्यू यहाँ का बहुत सुंदर है एंड लोकेशन भी बहुत अच्छी है। इस लोकेशन में ना एक सीरियल का शूट हुआ था जिसमें पता अभय रायचंद था। जिसने वो शो देखा है मेरे को कमेंट बॉक्स में पिन करना एंड बताना ज़रूर कि हाँ मैंने वो देखा था। तो यही शूट हुआ था इसी साइड पूरे जो ये एरिया है। मेरे को नहीं पता मैं ये व्लॉग डालूंगी कि नहीं, बट आई होप मैं डालूं, क्योंकि मेरे को ये व्लॉग इंटरेस्टिंग नहीं लग रहा है एंड चलता तो है नहीं वैसा भी, बट कोशिश करूँगी। और अब हम चलते हैं फटाफट से, लेट हो गया। ऋषिकेश हम पहुंच गए हैं। ऋषिकेश, आपके लिए एक सवाल है कि ऋषिकेश किस भगवान के नाम पे पड़ा है, कमेंट बॉक्स में बताओ, जो बताएगा उसको शाबाशी। तो हम पहुंच गए हैं ऋषिकेश एंड अब हम जा रहे हैं अपने होटल पे जो कि थोड़ा सा ऊपर है। सो चलते हैं। सो फाइनली वी रीच आवर डेस्टिनेशन। हम पहुंच गए हैं अपने रूम पे एंड अभी मेरे को कुछ काम कंप्लीट करने हैं। आई डोंट नो मैं कब करूँगी, बहुत ज़्यादा थक लगी है। ऑनेस्टली बोलो ऋषिकेश एक ऐसा प्लेस है जहाँ इतनी ज़्यादा गर्मी है, मे बी नीचे वालों को उतनी ना लगे जो दिल्ली वगैरह से आए, बट जो पहाड़ से हैं उनके लिए तो भाई ये जगह बहुत ज़्यादा ऐसा है। डनहली क्योंकि यहाँ बहुत ज़्यादा ट्रैफिक ये वो, तो पहाड़ी लोगों को इतना जचता ही नहीं है, बट ऑल ओवर यहाँ है सुंदर जगह जैसे घूमने की ना। बट ऐसे जब आते हैं तो उस टाइम बढ़िया पता जाती है, जैसे आपने देखा वो जाम वगैरह लगा था। तो हाँ, बट पहुँच गए हैं। मैंने सोची बहुत सारी चीज़ें थी क्योंकि मेरे को शूट करना है 2-3 चीज़ों का। आई डोंट नो कब होगा क्योंकि टाइम बिल्कुल भी नहीं है, बट लेट्स सी, मे बी हम इस रूम से शिफ्ट भी हो सकते हैं दूसरे रूम में, क्योंकि ये हमारा नहीं था, हमारे वाली जो रूम है ही गायब है। सो क्या अभी हम थोड़ी देर यहीं हैं, देन वी विल शिफ्ट मे बी
ऐसे रूम में, या फिर ये भी अच्छा है। A few minutes later. तो यहाँ मैं हो गई हूँ रेडी एंड हम जाने वाले हैं गंगा आरती में। उसके अलावा हम देखेंगे राम झूला, लक्ष्मण झूला, जानकी झूला। तो चलो फटाफट से चलते हैं। वैसे मैंने एथनिक पहना है। कमेंट बॉक्स में बताना कैसे लग रहे हैं हम, एंड ज्यादा बात ना करते हुए फटाफट से चलते हैं क्योंकि लेट हो गई है, टाइम भी हो गया है, 6:30 बज गए हैं, तो जल्दी रात हो रही है, चलना पड़ेगा। हमारे होटल में ना लिफ्ट है, ये छोटू सी है ये, बट है। तो अभी हम लिफ्ट से चलते हैं नीचे की ओर। इसमें गाना बजता है पता है। ए जल्दी आ, लिफ्ट आ रही है। एक तो लिफ्ट भी बहुत ज्यादा डरावने लगते हैं। चलो चलते हैं किसी केस की तरफ। पहुंच गए हैं यहाँ घाट में, जैसे कि आप देख सकते हो साइड पे ना गंगा आरती हो रही है एंड हम इस वाली साइड में। अब उस वाली साइड में जब तक जाएंगे तब तक के लिए गंगा आरती खत्म हो जाएगी। मेरी मतलब किस्मत में नहीं है क्या? बहुत ज्यादा भीड़ है। अब हम सोच रहे हैं जानकी जो पुल है ना वहाँ जाए, वहाँ से मैं आपको दिखाती हूँ व्यू वगैरह, क्योंकि यहाँ तो भीड़ ही भीड़ भाई, हद से ज़्यादा। उससे पहले भी हम आए थे बट इतनी भीड़ नहीं देखी हमने, पर कोई नहीं, अब हम जा रहे हैं जानकी पुल। तो हम पहुंच गए हैं जानकी सेतु जो कि यहाँ पे है, एंड अब हम जाएंगे आगे क्योंकि पूजा वाला जो था गंगा आरती, तो वो तो भाई मैं यही बोलूँ, मैं जितने बार आई हूँ उतने बार ही मिस हुआ है। मुझे नहीं पता कब ऐसा सौभाग्य मुझे मिलेगा कि मैं अटेंड कर पाऊँ, बट कोई नहीं। अभी हम चलते हैं जानकी सेतु की तरफ और देखते हैं क्या क्या चीज़ें यहाँ है खाने की, क्योंकि भूख लगी है, दिन में हमने कुछ नहीं खाया था। अब हम गए गंगा घाट की। कितने का है? 10 का। छोटे बच्चे से ही लिया वो हमने लिए हैं ये दिए। यहाँ के बच्चे बड़े प्यारे हैं। मेरा कर्म तू ही जान, क्या बुरा है क्या भला, तेरे रास्ते पे मैं तो आँख मूंद के चला, तेरे नाम की ज्योत ने। अगर आपको सुकून चाहिए गंगा घाट में जरूर आ सकते हो। हम आ गए थे यहाँ, इसके बाद हम जा रहे हैं अब थोड़ा कुछ खाने के लिए स्ट्रीट फूड में। सबसे पहले हमको दिखा है गोलगप्पे का ठेली, और पहली बार हमारी किस्मत इतनी अच्छी होगी कि फर्स्ट टाइम जिस ठेली पे गए वहीं सबसे टेस्टी हमको गोलगप्पे मिले। थी जानकी पुल या फिर झूला के सामने राइट हैंड की तरफ जहाँ ये वाले भैया थे। गोलगप्पे बहुत अच्छे हो रहे थे। अब हम जा रहे हैं आगे और चीज़ें ट्राई करने के लिए वहाँ पे। इसके बाद हमने लिया भेल, जो कि भेल पूरी आप बोल सकते हो, पहाड़ी में भेल कुछ और भी होता है, बट हाँ ये भी बहुत ज़्यादा टेस्टी हो रहे थे, बट इसमें मिर्ची कम थी, मेरे को तीखा बड़ा पसंद है तो ओके था। मेरे को आज ही कल चला। अनफ्लेक्स ही रहते हो? अनफ्लेक्स रहता है, कमेंट बॉक्स में बताओ। हाँ वो तो मेरे को पता है। अब देखो मेरी बात खत्म होने से रही, बट हमने एक और जगह ट्राई किया था गोलगप्पे एंड वहाँ के बहुत ज़्यादा ख़राब थे क्योंकि वो बासी थे, तो हमने 3 पीस ही किए, उसके अलावा हमने मना कर दिया था। तो जो गोलगप्पे वाले थे वो इतना ज़्यादा घूर रहे थे, और अपनी भाषा में उन्होंने कुछ बोला, मेरे को तो लगा उन्होंने गाली दी हमको, बट चलो कोई नहीं, इतना चलता है, हमको नहीं पसंद तो नहीं पसंद। इसके बाद हम चले गए राम झूला की तरफ। तो अभी हम आए हैं यहाँ राम झूला जो है ना वहाँ साइड जो शॉप्स रहती है वहाँ एक्सप्लोर करने, सो चलते हैं देखते हैं कोई नई और
अच्छी शॉप जहाँ चीज़ें हमको दिखे या फिर मिले। आज तो वैसे यहाँ लगता है दुकान वगैरह बंद है। अब देखो, इससे पहले जब मैं आई थी यहाँ बहुत ज़्यादा वैरायटी थी, बट इस बार ना दुकानें बंद थी, बट जो थी वो मेरे को बहुत ज़्यादा अच्छी लगी। जैसे यहाँ कुर्ता थे, बैग्स थे, बट इनका प्राइस थोड़ा एक्सपेंसिव था। बट ये वाली जो शॉप है ना, माँ गंगा स्टोर करके, यहाँ बहुत सस्ते में आपको चीज़ें मिल रही थी। जैसे मिरर 50 रुपये में मिल रहा था, रिंग 50 रुपये में मिल रही थी, एंड ये भगवान जी की मूर्ति 100 रुपये में सिर्फ, एंड ये 20-20 रुपये के मिल रहे थे। एंड मैंने बहुत सारी चीज़ें वहाँ से ली थी। इसके बाद हम एक जूस कॉर्नर पे गए थे जहाँ भीड़ थी, तो हमने बोला चलो ट्राई करते हैं। मेरे को उम्मीद नहीं थी अच्छा होगा, बट ये इतना ज़्यादा अच्छा था, मैंने आधा से ज़्यादा पी दिया। बट सच में बहुत ज़्यादा टेस्टी था। इसके बाद हम आ गए थे घर की तरफ। तो ये है वो चीज़ें जो कि मैंने ऋषिकेश से ली है। चलो एक एक करके सारी चीज़ें देख लेते हैं। आपने वैसे ब्लॉग में भी थोड़ा थोड़ा देख लिया होगा, बट सबसे पहले वैसे जो मैंने लिया है वो है एक मिरर, जो कि कुछ इस तरीके से है। टेढ़ा है क्या? नहीं, सीधा है। तो ये था 50 रुपीज़ का, मात्र 50 रुपये का। एंड ये हमने परचेज किया था, जो मैंने शॉप आपको दिखाई थी ना, तो वहीं से हमने परचेज किया था। राम झूला के नीचे साइड जो मार्केट है वहाँ पे वो शॉप है, तो वहाँ से हमने परचेज की थी। एंड सही प्राइस पे हमको चीज़ें भी मिल गई थी वहाँ। इसके अलावा जो नेक्स्ट चीज़ हमने ली वो थी मूर्ति, जो कि थी शिव भगवान जी की। एंड ये हमने ली है अपने कार के लिए, जो कि कुछ इस तरीके से है। सी इसके अलावा नेक्स्ट मैंने लिए ये दो ब्रेसलेट, जो कि कुछ इस तरीके के हैं। इसके अलावा नेक्स्ट जो लिया वो थे ब्रेसलेट टाइप के, जो कि कुछ इस तरीके से हैं। एक रिंग भी ली, जो कि कुछ इस तरीके की है, 20 रुपीज़ की थी। एंड ये 50 रुपीज़ पर पीस थे, जो कि मेरे को सही लगे प्राइस वाइज। नहीं तो और बहुत सारी जगह है जहाँ ना ये महंगे मिलते हैं, तो उसी वजह से मैंने ये सारी चीज़ें ली है ऋषिकेश से। और अब समय आ गया है व्लॉग को एंड करने का। तो आई होप आपको आज का व्लॉग पसंद आया होगा, ये ऋषिकेश व्लॉग पसंद आया होगा। अगर आया है तो लेट मी नो इन कमेंट बॉक्स। एंड उसके अलावा सब्सक्राइब कर लेना, बहुत मेहनत करते हैं हम, तो एक सब्सक्राइब करना तो बनता है। क्योंकि मेरी ऑडियंस में 90% या 95% लोग बिना सब्सक्राइब किए देखते हैं, तो प्लीज़ सब्सक्राइब करने में 2 सेकंड लगता है, सब्सक्राइब कर लेना। एंड अब हम मिलते हैं एक और व्लॉग में, तब तक के लिए बाय।